प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पीएम नरेंद्र मोदी का कुमाऊं दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पीएम की सुरक्षा को लेकर जागेश्वर में 3 दिन के लिए बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान कोई भी पर्यटक यहां नहीं पहुंच पाएंगे। पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही स्थानीय लोगों का सत्यापन किया है। 11 अक्टूबर को सौकियाथल से जागेश्वर तक 16 किलोमीटर सड़क और जागेश्वर धाम जीरो जोन घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक वह सुबह 11:30 बजे 3 MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ सौकियाथल मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री सौकियाथल से सड़क मार्ग से जागेश्वर धाम पहुंचने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। 25 से 30 मिनट जागेश्वर में बिताएंगे, जिसके बाद पीएम मोदी करीब दोपहर 1 बजे सौकियाथल से आदि कैलाश के लिए रवाना होंगे। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को आरतोला से जागेश्वर की तरफ आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जागेश्वर मंदिर में 6 मिनट पूजा करेंगे। इसके बाद पुष्टि देवी और महामृत्युंजय मंदिर में 2-2 मिनट की पूजा होगी, साथ ही मंदिर की परिक्रमा करेंगे। अंत में भैरव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। इन सब के करीब 25 से 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। वहीं कोविड के लक्षण मिले तो पूजा में भागीदारी नहीं निभा पाएंगे पुजारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 25 से 30 मिनट का पूजा अर्चना करेंगे। पूजा करवाने वाले सभी पुजारियों का कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोप वे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोप वे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहाँ केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा, उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन, पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने, पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।